तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। बस आज रात का और इंतजार और कल तारा सिंह फिर से पाकिस्तान में गदर मचाते नजर आएंगे थिएटर्स में, वो भी हाउसफुल सोच के साथ। भाई साहब सारे रिकॉर्ड टूट गए, ऐसी गजब लेवल की एडवांस बुकिंग, ऐसा प्यार जनता का सनीपा जी के लिए। दोस्तों बस आज रात की देरी है और कल गदर 2 सिनेमा बॉक्स में फिर तहलका मचाते दिखेगी। कितने रिकॉर्ड टूटेंगे कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन इतना तो पक्का है वो यादें जो 2001 में छोड़ के आए थे हम सब लोग, वो फिर से ताजी होने वाली है। वो तारा सिंह ऑई करके चिल्ला के दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने वाला मंजर फिर से देखने को मिलने वाला है। और जब पाकिस्तानियों को तारा सिंह मारता है तो दुश्मन पानी तक नहीं मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल का यह इंतजार और एडवांस बुकिंग में जो रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है मूवी, कमाल के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ओएमजी 2 के होने के बाद भी एक तरफा कलेक्शन कर रही है मूवी। तो आज बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल डे की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में और कल कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है मूवी अपने पहले दिन में। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां दोस्तों गदर 2 ने बॉलीवुड सिनेमा के काफी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है और गदर 2 को जनता से भी काफी प्यार मिल रहा है। लोग दबा के सोच के टिकट खरीद रहे हैं और अपने आखिरी दिन में एडवांस बुकिंग में ऐसी सुनामी आ जाएगी किसी ने ना सोचा था। जी हां दोस्तों, अभी तक गदर 2 को पूरे 4600 शोज मिल चुके हैं। बात करें कितनी टिकट बेच चुकी है, तो सबसे पहले नेशनल चेन्स की बात करेंगे ऑनलाइन बुकिंग की, जिसमें पीवीआर में 82,000 टिकट बेच चुकी है, आईनेक्स से 70,000 टिकट बेच चुकी है और सिनेपोलिस से 43,000 टिकट बेच चुकी है। और टोटल बनते हैं तीनों को मिलाकर 195,000 टिकट गदर 2 सिर्फ ऑनलाइन में बेच चुकी है अभी तक। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ 10 अगस्त शाम 5 बजे तक का है और यस पूरी रात बुकिंग चलनी है। मे बी हो सकता है कल सुबह तक ये आंकड़ा 2.5 लाख तक पहुंच जाएगा। और मैं आपको बता दूं तो अभी तक आज 10 अगस्त शाम तक एडवांस बुकिंग कलेक्शन में जो रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है अनबिलीवेबल नंबर सामने आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, 15 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ एडवांस से कमा चुकी है मूवी और अभी पूरी रात बुकिंग चलनी है। सुबह तक मैं मान के चल रहा हूं यह आंकड़ा 17 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। यह मेरा छोटा से छोटा अनुमान है। जी हां दोस्तों, जहां बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में अपने पहले दिन में सिर्फ 15 करोड़ का कलेक्शन करना चाहती हैं, गदर 2 ने सिर्फ एडवांस में ही इतनी बड़ी कलेक्शन कर लिया अपने फाइनल डे एडवांस बुकिंग में। और अभी सुबह की एडवांस बुकिंग पूरी की पूरी धरी पड़ी है। भाई साहब इसे कहते हैं जनता का प्यार, जनता का क्रेज। भाई मजा आ गया, इंतजार है तो बस अब कल का। और मैं आपको बता दूं तो टोटल अभी तक 5,87,000 टिकट गदर 2 बेच चुकी है, सब ऑनलाइन ऑफलाइन सबको मिलाकर, वो भी एवरेज प्राइस 214 रुपए के साथ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मूवी कल अपने पहले दिन में कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। मैं अगर अपने अनुमान से बताऊं, जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग में ग्रोथ देखने को मिल रही है, भाई साहब 50 करोड़ का कलेक्शन करने का दम रखती है गदर 2 अपने पहले दिन में ही। और अगर 12 से 1 बजे तक या फिर 4 बजे तक सारे यूट्यूबर्स के रिव्यू आ गए, तब यह आंकड़ा कहां तक जाएगा इमेजिन नहीं कर सकता कोई। और जहां तक है सभी के रिव्यू पॉजिटिव ही आए और ऐसा हो गया तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस में सुनामी आ जाएगी, सुनामी। तो दिल थाम के बैठ जाओ, कल हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, गदर 2 अपने पहले दिन में 50 करोड़ की ओपनिंग ले पाएगी? दूसरा, क्या गदर 2 लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 500 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाएगी? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।